ओम शांति। हम सभी के चेहरे और हमारी चलन, हमारी स्थिति, सारे संसार को बाबा का साक्षात्कार कराती है। जिसके चेहरे पर दिव्यता है, जिसका चेहरा अलौकिक खुशी से सदा चमकता रहता है और जिसकी स्थिति महान है, वे ही संसार में महान हैं, वे ही बाबा को अति प्रिय हैं, वही बाबा के बहुत काम के हैं, वही उसका नाम रोशन करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले प्रभु मिलन का प्रत्यक्ष स्वरूप अपने चेहरे से दिखाएं, सदा खुशी। खुशी बहुत बड़ा खजाना है, खुशी की कीमत आंकी नहीं जा सकती। खुशी बहुत बड़ी खुराक भी है। खुश रहने वाला मनुष्य बीमारियों पर भी सहज विजय प्राप्त कर लेता है। परिस्थितियां जिसकी खुशी को छीन न सकें, वो इस संसार में सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। हम अपने को चेक करें, कौन सी बातें हमारी खुशी को छीनती हैं? क्या हम सदा खुश रहते हैं? क्या प्रभु मिलन की खुशी, क्या भविष्य में सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने की खुशी? भगवान स्वयं हमको आकर पढ़ाते हैं ये खुशी, वो हमारा परम सद्गुरु बन गया है, वो हमारे खुदा दोस्त बन गए हैं, उन्होंने हमें साथ देने का वायदा कर लिया है, ये खुशी हमें कितनी रहती है? सोचो, भगवान के बच्चे ही यदि खुश नहीं रहेंगे तो भला कौन खुश रहेगा? जिन्हें सारे संसार को खुशियां बांटनी हैं, वो ही यदि खुश नहीं रहेंगे तो इस संसार में कौन खुश रहेगा? हम जान लें, हम इस सृष्टि के आधार मूर्त हैं, कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। अगर हम खुश हैं तो सारा संसार खुश होता है, उनमें खुशी की तरंगे पहुंचती हैं। और यदि पूर्वज आत्माएं दुखी हैं तो सारा संसार और ज्यादा दुखी हो जाता है। हमारी स्थिति पर ही सारे संसार की स्थिति का आधार है। तो आइए हम सदा खुश रहने का दृढ़ संकल्प कर लें। खुश रहना हमारे हाथ में है। मूल रूप से ध्यान दें, एक्सपेक्टेशंस मनुष्य की खुशी को छीनती हैं। हम अपने साथियों से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, कामनाएं ज्यादा करते हैं, तो हमारी खुशी चली जाती है, क्योंकि एक मनुष्य सदा ही किसी की कामना के अनुसार व्यवहार या काम नहीं कर सकता। हर मनुष्य स्वतंत्र भी है, उसके अपने विचार हैं, अपने संस्कार हैं, उसका कार्य करने का तरीका है, उसकी जिम्मेदारियां अनेक होती हैं। हम जरा अपनी कामनाओं को कम करेंगे तो खुशी 100 हो जाएगी, और यदि हमारी कामनाएं 100 हैं तो खुशी 0 रहेगी। तो चाहे बीमारियां हों, चाहे परिस्थितियां हों, चाहे कोई हमारा अपमान करता हो, चाहे जीवन में विघ्न आ घेरे, चाहे काम धंधों में रुकावट आ पड़े, हमें खुशी के खजाने को छोड़ना नहीं है। लोग कहते हैं सक्सेस इज द की टू हैप्पीनेस, बट हम ऐसा कर दें, हम हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। यदि हम बहुत खुश रहेंगे तो सफलता हमारे पीछे पीछे चलेगी, और यदि हम सफलता की खोज में निकलेंगे, यदि छोटी बातें हमारी खुशी को छीनती रहेंगी, तो हम कभी भी न खुश होंगे न सफल होंगे। तो आइए आज सारा दिन खुशियों में झूमते रहें। याद रखेंगे सारा दिन, इस जीवन में कौन मिला है? जिसको मिलने के लिए ऋषि मुनि और तपस्वी न जाने क्या क्या करते हैं। वो केवल हमें मिला ही नहीं, हमारा हो गया है। उसके प्यार में हमारा जीवन पलने लगा। बहुत सुंदर बात, इन आंखों से इस संगम युग पर हमने क्या क्या देखा। भगवान को नूतन विश्व रचते हुए देखा, उसको अपने बच्चों की पालना करते हुए देखा, सभी का भाग्य निर्माण करते हुए देखा, आत्माओं के दुख हरते हुए देखा। क्या क्या देखा हमने इन आंखों से, जो कभी नहीं देखा जा सकता।
वो देख लिया, तो आज सारा दिन हम परम धाम में बाबा के पास बैठेंगे और उससे पवित्रता के वाइब्रेशंस लेंगे। इस संसार में आएंगे, इस देह में आएंगे और इन वाइब्रेशंस को चारों ओर फैलाएंगे और बीच में अभ्यास करेंगे। पवित्रता के सागर से हमारे ऊपर मानो पवित्रता की बरसात हो रही है। ओम शांति।